हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। कई तरीके की एलईडी लाइट्स आपके घर और ऑफिस के लिए। जीआर एलईडी लाइट्स, मेक इंडिया ब्राइट। जरूर ठीक कर देंगे, उन्होंने बहुत सारे चमत्कार किए हैं। तो क्या आप लोग साईं बाबा को जानते हैं? अरे अच्छी तरह जानते हो उस ढोंगी पाखंडी को। अरे ना तो वो कोई वैद्य है ना डॉक्टर, शिरडी जाने से तो अच्छा है किसी सरकारी अस्पताल में चले जाओ। तुम्हारे दरवाजे पे तो खुद मालिक दस्तक दे रहा है बेटे, जाओ शिरडी जाओ। नहीं नहीं, मैं अस्पताल जाऊंगा। वैसे कितने साल हो गए तुम्हारी शादी को, अभी तक तुम्हारी गोद सूनी क्यों है? अरे ये तो बांझ है बांझ। ये तुम क्या करने जा रही थी उर्मिला? ये दवाई नहीं है भाभी, अरे ये जहर है जहर। दुनिया बड़ी जालिम है मालसापति, स्वार्थी है, निर्दयी है। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि शरीर की मर्यादा में रहकर मैं मालिक का दिया हुआ काम पूरा कर भी सकूंगा। अगर मैं काम पूरा न कर सका तो इस शरीर के नाश होने के बाद भी मुझे शिरडी में ही निवास करना होगा। लड़की वालों से कह दो जल्दी से जल्दी शादी का मुहूर्त निकालें।
हमें शादी की बहुत जल्दी है। शादी मैं सहन नहीं कर सकती। आपको शादी करनी ही है तो मेरी मौत के बाद कर लीजिएगा। आपका दूसरी शादी करना मेरे अस्तित्व का अपमान है। मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। कैसे घोड़े बेचकर सो रहे हो तुम? हमारी मैना बिटिया कैसी है? तुम उसका हालचाल पूछने के लिए उसके ससुराल गए थे या नहीं? नाना! साईं बाबा! क्या हुआ? चिल्लाए क्यों? साईं बाबा! साईं बाबा? यहां साईं बाबा आए थे नानी। उन्होंने सपने में मुझे दर्शन दिए। साईं बाबा के दर्शन होने के बाद आपको तो खुश होना चाहिए, लेकिन आप बेचैन हैं। क्यों? कुछ कहा आपसे साईं बाबा ने? मुझसे छुपाइए मत, बोलिए। नानी, याद है तुम्हें मैना ताई को मिलने के लिए एक बार जिद किया था? हाँ, लेकिन उसका साईं बाबा के दर्शन के साथ क्या संबंध है? यही तो साईं बाबा मुझसे पूछ रहे थे कि मैना बेटी कैसी है, उसका हाल जानने के लिए क्या मैं उसके ससुराल गया था? कहीं हमारी मैना बेटी किसी मुसीबत में तो नहीं है? अरे ओ रमाकांत! क्या हुआ माँ, क्यों नींद खराब कर रही हो चिल्ला चिल्ला कर? अरे घर में आग लगी हुई है और तू है जो सोना चाहता है। आग? अरे अकल के अंधे, मेरी बहू तुम्हारी पत्नी बिस्तर पर नहीं है, देखो। अरे उस कलमुई ने कहीं कुएं में कूद कर अपनी जान तो नहीं दे दी? ऐसा मत कहो माँ। अरे जाकर ढूंढ उसे, जा जल्दी ढूंढ के ला उसको, वापस लेकर आ। किस जन्म का बदला ले रही है मैना तू मुझसे? मैना, मैना, मैना! कहाँ गए होगे मैना? अगर उसने अपनी जिंदगी के साथ कुछ कर लिया होगा तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं करूंगा। मैना, मैना, शुक्र है तुम मिल गई। चलो घर चलो। नहीं, क्षमा चाहती हूँ,
अब मैं उस घर में नहीं जाऊंगी। लेकिन क्यों? एक स्त्री हर अपमान सह सकती है, लेकिन अपने पति की दूसरी शादी वो कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे जाने दीजिए, जाने दीजिए। मैं तुम्हें ले जाने आया हूँ, चलो घर चलो, मुझ पर विश्वास करो। मैं तुम्हारी कसम खाकर कहता हूँ, मैं कभी दूसरी शादी नहीं करूंगा। सच? हाँ। बाबा आज आप बहुत खुश नजर आ रहे हैं। जब बाबा के भक्त खुश होते हैं तो बाबा भी खुश होते हैं। साईनाथ, ईश्वर कब खुश होता है? इस सृष्टि की रचना में अहम भूमिका निभाने के लिए ईश्वर के भेजे हुए पति पत्नी को जब एक दूसरे के प्यार का साक्षात्कार होता है तब ईश्वर खुश होता है। शादी की बुनियाद विश्वास है महालसापति। जब पति पत्नी जान जाते हैं कि दोनों का एक दूसरे पर अटूट विश्वास है तब मालिक खुश होता है। पति पत्नी के बीच जो भी गलतफहमियां होती हैं, जब वो सब गलतफहमियां दूर हो जाती हैं तब मालिक को खुशी होती है। और जब मालिक खुश होता है तो ये दुनिया खुश होती है। मंद मंद हवा चलती है जो हमें आनंद देती है, फूल खिलते हैं, पेड़ पौधे डोलते हैं, पंछी किलबिलाते हुए यहां से वहां, वहां से यहां उड़ाने भरते रहते हैं, समुन्दर में लहरें नाचती हैं, आकाश खुश होकर बादलों का जामा पहन लेता है, मौसम ऐसा खुशगवार होता है कि रोते हुए के चेहरे पर भी खुशी झलकने लगती है। देवा आप तो कवि बन गए। जो न देखे रवि वो देखे कवि। गुरुजी, साईनाथ रात भर परेशान थे। बाबा का कोई भक्त परेशानी में था? हाँ, अब तो उसकी सारी परेशानियां दूर हो गई होंगी बाबा। अब मेरे उस भक्त की परेशानियां बढ़ेंगी सगुन। मालिक मेरे भक्त की परीक्षा ले रहा है और मेरे भक्त को उस परीक्षा में खरा उतरना होगा। सबका मालिक एक। सप्तशृंगी देवी, आपने मुझे सपने में दर्शन दिए, क्यों मां? तुम्हें तुम्हारी कुलदेवी का बुलावा आया है श्यामा। हाँ गुरुजी, आपको देवी सप्तशृंगी के स्थान वणी जाना चाहिए। हाँ गुरुजी, आप कुलदेवी के दर्शन कराइए। लक्ष्मी की माँ, मेरी कुलदेवी और कुलदेवता तो साईं बाबा है, मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं। ऐसा नहीं कहते श्यामा। अरे तुम्हारी कुलदेवी ने तुम्हें सपने में आकर कहा कि तुम्हें उनके पास जाना चाहिए, तो तुम्हें जाना चाहिए। देखिए देवा,
मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। वणी यहाँ से दूर नहीं है गुरुजी। अरे भाई, लोग तो अहमदनगर से चले आते हैं कुलदेवी के दर्शन करने के लिए। कुछ भी हो बाबा, मैंने आपके दर्शन कर लिए, समझो मैंने कुलदेवी के दर्शन कर लिए। क्षमा जिद नहीं करते। अरे तुम्हारी कोई मन्नत होगी जो तुम्हें पूरी करनी होगी, इसलिए तो देवी माँ ने खुद सपने में आकर तुम्हें दर्शन दिए। अरे मैंने कोई मन्नत नहीं मांगी है देवा। लेकिन सब तो श्रृंगी देवी के दर्शन का कोई ना कोई मतलब तो होगा, कुछ ना कुछ संकेत तो देवी ने दिया होगा। हाँ बिल्कुल ठीक कह रही है लक्ष्मी की माँ, तुम अभी इसी वक्त वणी चले जाओ। अरे आप मुझे वणी क्यों भेजना चाहते हैं? अरे सबका मालिक। यही वणी है उर्मिला, वहां पहाड़ के ऊपर देवी का मंदिर है। कहते हैं मंदिर तक जाने के लिए 600-700 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। उर्मिला, तुम्हारा साधु संतों पर विश्वास रहा नहीं, लेकिन देवी देवताओं पर तो विश्वास होगा। भाभी, सप्तशृंगी देवी के यहाँ जो मांगो मिल जाता है, देवी सबकी मन्नत पूरी करती है। हाँ जय देवी माँ। ने मुझे बुलाया और मैं हाजिर हो गया माँ, लेकिन मुझे नहीं पता आपने मुझे क्यों बुलाया और किस लिए। मालिक की लीला कोई नहीं जान सकता। सप्तशृंगी माँ के दर्शनों के लिए लोग दूर दूर से यहाँ आते हैं। जी आप कहाँ से आए हैं? शिरडी से। और आप? अहमदनगर से। लोग तो अहमदनगर से चले आते हैं कुलदेवी के दर्शन करने के लिए। अच्छा, साईं बाबा ने इनके लिए मुझे भेजा है यहाँ पे। श्यामा, ये तो तुम्हें जानना ही था, क्योंकि तुम्हारे और मेरे 72 जन्मों के संबंध हैं। यहाँ आकर लोग अपना दुख भूल जाते हैं, क्योंकि वो अपने दुखों का बोझ माता के चरणों में रख देते हैं। लेकिन आपके चेहरे से लग रहा है कि आपका दुख हल्का नहीं हुआ। पता नहीं मैं आपको अपने दिल की बात क्यों बता रहा हूं। मुझे संतान नहीं है। यह मेरी पत्नी है उर्मिला, हमारी शादी को बहुत साल हो गए, लेकिन अरे श्यामा, इधर उधर की बातें क्यों कर रहे हो? जिस काम के लिए मैंने तुम्हें भेजा है वो काम क्यों नहीं कर रहे हो? हम दोनों ने अपना अपना परिचय तो दिया नहीं,
मैं माधवराव देशपांडे। जी मैं दामू अण्णा कासार, अहमदनगर में रहता हूँ। रुई और अनाज का सौदागर हूँ। यह है मेरी पत्नी उर्मिला। नमस्ते। और यह है मेरा छोटा भाई शंकर। नमस्ते। वो इनकी? जी नहीं, वो हमारी नौकरानी है। दामू अन्ना जी। जी आप मेरी एक बात मानेंगे? जी कहिए। आप अभी मेरे साथ शिरडी चलिए। शिरडी क्यों? साईं बाबा के दर्शनों के लिए। साईं बाबा? साईं बाबा शिरडी के चलते बोलते देव हैं, विठोबा है, श्री राम है, वो ईश्वर है, मालिक है, भगवान है। वो शिरडी आज तीर्थ क्षेत्र बन गया है उनके कारण। शिरडी ही पंडरपुर है, काशी है, जिस चीज पर उनकी कृपा हुई है उसका उद्धार हुआ है। दामू अन्ना आपका भी उद्धार होगा। एक बार आपने साईं बाबा के दर्शन कर लिए तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आपने साक्षात भगवान के दर्शन कर लिए। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। माधवराव जी आप सभी का शिरडी में स्वागत है। दामू अन्ना जी आइए। नमस्ते, नमस्ते, आइए। दामू अन्ना जी। जी आप सभी के ठहरने का प्रबंध मैंने इसी धर्मशाला में किया है, आइए। जी अच्छा। भाभी आप तो साधु संतों पर विश्वास नहीं करती, फिर एक फकीर के दर्शन करने के लिए आप यहाँ आने के लिए राजी क्यों हो गई? जैसे हमारा अनाज का दलाल है ना धर्मानंद, वैसे ही मुझे ये माधव राव साईं बाबा का दलाल लगता है, जो पैसे वाले लोगों को बहलाता फुसलाता है और साईं बाबा के पास ले जाता है। भाभी मुझे तो इस साईं बाबा पर जरा सा भी विश्वास नहीं। आगे आपकी मर्जी। दामोदर जी कैसा लगा आपको प्रबंध? आपने रहने का प्रबंध बहुत अच्छा किया है। अब आप विश्राम कीजिए। जी हम शाम को द्वारिका माई चलेंगे। नहीं नहीं माधव राव जी, हम अभी साईं बाबा के दर्शन करेंगे। लो भाभी दामू भैया ने माधव राव की दलाली तो कर दी पक्की। जैसे आपकी इच्छा। आइए आइए आइए। वत्सला हाँ? तुम यहीं धर्मशाला में रुक जाओ, सामान की देखभाल करो, हम साईं बाबा के दर्शन करके आते हैं। आइए दामू अन्ना जी, जी। आइए हाँ, चलिए। हे साईं बाबा कितनी बदनसीब हूँ मैं, शिरडी आने के बाद भी मैं आपके दर्शन नहीं कर सकती, मुझे क्षमा कीजिए साईं बाबा और मेरा प्रणाम यहीं से स्वीकार कीजिए और अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर बनाए रखे साईं बाबा। जय साईं बाबा। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ, आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। ओम जय साईनाथ, आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। धरती पर रह कर प्रभु तुमने तन अंबर तक विस्तारा। जय साईनाथ, जय साईनाथ, आदि अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। समान बृहद वक्षस्थल
और भुज दंड दिशाएं भाल विशाल सुलोचन पद वैकुंठ ल जाए प्रभु तुम हो जहाँ रहता है वहाँ उजियारा ये तो मैंने पहला फकीर देखा है भाभी जो अपनी आरती करवाता है। बड़े बड़े पाखंडी देखे लेकिन ये तो सबसे ऊपर है। जिसके मन में विश्वास है उसे पत्थर में भी भगवान नजर आते हैं, और जिनके मन में विश्वास नहीं होता उन्हें सामने खड़े भगवान भी पत्थर नजर आते हैं। विश्वास श्रद्धा का ही दूसरा रूप है। जहां श्रद्धा है वहां विश्वास है, और जहां विश्वास है वहां श्रद्धा है। ईश्वर को, मालिक को, भगवान को श्रद्धा और भक्ति की आंखों से ही देखा जाता है। जिनके पास श्रद्धा और भक्ति नहीं है वो सामने आए भगवान को भी अविश्वास की भावना से देखते हैं, तो उनका उद्धार कैसे होगा? अगर भगवान को पाना है तो अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर दो उसे। जो निर्विकार है उसे हम विकारों के अधीन होकर कैसे पा सकते हैं? भाषण अच्छा देता है भाभी, देखिए भैया कैसे सम्मोहित हुए जा रहे हैं। सबका मालिक एक। श्यामा, तुम कुलदेवी के दर्शन कराए? हाँ देवा, दामू अन्ना को वहीं से तो अपने साथ लेकर आया हूं। संतान नहीं है देवा, आप कृपा करेंगे तो दामू अन्ना और इनकी पत्नी माता पिता बन जाएंगे। लेकिन श्यामा। लेकिन नहीं देवा, आपने मुझे वणी भेजा, मैं गया। मैं आपकी हर आज्ञा का पालन करता हूँ। आपको भी अपने भक्त की एक छोटी सी विनती स्वीकार करनी होगी। एक भक्त का अपने भगवान पर इतना हक तो बनता है ना देवा। क्यों साईनाथ के गले पड़ रहे हो गुरु जी? देखा देवा, देखा, सबको लग रहा है कि मैं आपके गले पड़ रहा हूँ। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा हो, लेकिन मैं जानता हूँ। ये दामू अन्ना बड़ी उम्मीद लेकर आपके पास आए हैं। इन्हें और इनकी पत्नी को प्रसाद दीजिए, दीजिए ना साईनाथ। हाँ बाबा, अपने भक्त की लाज रख लीजिए। साई राम साई श्याम, दुख बन जाए तेरो नाम। बाबा तुझे प्रणाम।
आज आपने दिखा दिया कि भगवान अपने भक्त का शब्द कभी झूठा नहीं होने देते। आपको कोटि कोटि प्रणाम देवा, कोटि कोटि प्रणाम। दामो अन्ना, आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं, जो आप लोगों को साईं बाबा का कृपा प्रसाद मिला है। आपकी पत्नी ये प्रसाद खा ले, बस आप दोनों को संतान होगी और आप दोनों माता पिता बन जाएंगे, है ना साईं बाबा? इतना विश्वास है आपको साईं बाबा पर? अगर भैया भाभी इस कृपा प्रसाद से माता पिता नहीं बने तो? यदि इस प्रसाद से तुम्हारे भैया भाभी माता पिता नहीं बने तो ये माधवराव देशपांडे इस देवा का श्यामा उसी पल से अपने 72 जन्मों का संबंध साईं बाबा से तोड़ लेगा। लेकिन श्यामा, सबका मालिक एक। आप साईं बाबा का दिया हुआ नारियल का कृपा प्रसाद सच में खाएंगे? देखा भाभी, ऐसे होते हैं साईं बाबा के भक्त। बैठिए। माधवराव जी, मुझे साईं बाबा पे पूरा विश्वास है। दामू अन्ना जी, साईं बाबा की कृपा आप पर हुई है, इसे सुख शांति समाधान और समृद्धि की भांति समझिए। जी माधवराव जी। जी आइए। जय साईनाथ। वो खत लिख के बताना कि बाप कब बनने वाले हो। हाँ हाँ, जरूर बताऊंगा, जरूर बताऊंगा। खत जरूर लिखिएगा। हाँ हाँ, भूलेगा नहीं। और लड्डू भेजना, लड्डू। जय साईनाथ, जय साईनाथ। अरे माधवराव जी, हम लोग चलेंगे अहमदनगर दामो अन्ना के घर लड्डू खाने। दामो अन्ना, बाप बनने वाले हो, बाप बनने वाले। भाभी, आपने कभी सुना है कि नारियल खाकर किसी को संतान हुई हो? आपने तो इस सामान को ऐसे पकड़ा जैसे बच्चे को पकड़ते हैं। अभी से बच्चे के ख्वाब देखने लगे क्या? जय साईं बाबा। इंसान कभी निराशा और दुख की अपेक्षा नहीं करता, वो सुखी रहना चाहता है। हर कोई इस आशा पर जीता है कि उसका जीवन सफल हो, सफल हो। लेकिन सुख इंसान के दिल में छुपा होता है, सुख इंसान की संतुष्टि पर निर्भर होता है। इंसान के मन में जब किसी चीज के लिए अभिलाषा जागती है तो अभिलाषा के साथ साथ उसके दिल में असंतोष भी पैदा होता है। यही असंतोष उसे दुखी बनाता है, यही असंतोष उसे निराश कर देता है। जो ख्वाबों में रहते हैं वो निराश होते हैं और निराश के साथ साथ दुखी भी होते हैं। इसलिए ख्वाबों में नहीं रहना चाहिए। जिंदगी और ख्वाब में बहुत फर्क है। जिंदगी हकीकत है, वास्तव है। ख्वाब वहम है, भ्रम है। साईनाथ, ये सब जानते हुए भी इंसान ख्वाब क्यों देखता है? और वो दुखी भी रहता है मालसापति।
इंसान को ये जान लेना जरूरी है कि हम जो सोचते हैं जरूरी नहीं वो हमेशा सच ही हो। कभी कभी तो वो नहीं होता जो हम सोचते हैं। मालिक ने किसके भविष्य में क्या लिखा है कोई नहीं पढ़ सकता। सबका मालिक एक। वत्सला जी, तुम्हें घर जाने के लिए 7 दिन की छुट्टी चाहिए थी ना? जी। ठीक है, तुम आज ही चली जाओ। ठीक है जी। अच्छा सुनो, ये देखो नारियल, ये साईं बाबा का कृपा प्रसाद है। क्या है? कृपा प्रसाद। ये नारियल खाने से मैं माँ बन जाऊंगी। अब नारियल खाकर बच्चे होने लगेंगे। सब पाखंड है। अच्छा सुन, ये ले ले, पकड़ इसे। लेकिन ये नारियल आप मुझे क्यों दे रही हैं? फेंकने के लिए। तेरे घर के रास्ते में नदी आती है ना, इसे नदी में फेंक देना। ठीक है? सच तो ये है कि हमें वहां शिरडी में जाना ही नहीं चाहिए था, और गए भी तो उस फकीर साईं के तो दर्शन करने ही नहीं चाहिए थे। लेकिन क्या करें, हुआ वही जो हमेशा से होता आया है, मेरे स्त्रीत्व का अपमान। ठीक है, जा इसे फेंक देना। अच्छा सुन जी, ये बात किसी को कहना मत। कौन सी बात? अरे यही कि मैंने तुझे नारियल नदी में फेंकने के लिए दिया है। जी ठीक है, जा। सबका मालिक एक। तो भाग्य का खेल बड़ा विचित्र होता है मालसापति। एक दिन में राजा को रंक और रंक को राजा बना देता है। भाग्य से बड़ा कोई नहीं। लेकिन देवा, आज आप बात बात पर हंस क्यों रहे हैं? मैंने एक इंसान को अपने भाग्य को ठोकर मारते देखा है। भाग्य ने उसकी झोली में सुक्का दान किया था और उसने सुक्का वही दान दूसरे को दे दिया। जब दुख पलड़े में आता है तो इंसान अपने आप को बदनसीब क्यों कहता है? क्यों रोता है वो? क्यों मालिक को दोष देता है? इंसान ये क्यों भूल जाता है कि दोष उसका है, अपराधी वो खुद है। इसलिए कहता हूं, श्रद्धा और विश्वास से मालिक की भक्ति करनी चाहिए, उस पर पूरा भरोसा करना चाहिए। इंसान के कमजोर मन को भक्ति सशक्त बनाती है, और सशक्त मन कभी दुविधा में नहीं पड़ता, कभी मालिक पर अविश्वास नहीं रखता, और तब इंसान अपने भाग्य को ठोकर भी नहीं मारता। सबका मालिक। क्या कर रही हो वत्सला? इस नारियल को नदी में क्यों फेंक रही हो? मालकिन ने तो यही कहा है। ये नारियल नहीं है पगली, ये तुम्हारा भाग्य है। इसे फेंको मत, इसे खाओ। ये कोई साधारण नारियल नहीं है, ये साईं बाबा का कृपा प्रसाद है। भी शादी हुए तो कई साल हो गए, तुम भी तो अब तक माँ नहीं बनी। ये नारियल तुम्हें संतान देगा। इसे
श्रद्धा से खाओ और साईं बाबा पे विश्वास रखो, तुम्हारा कल्याण होगा, तुम माँ जरूर बनोगी। पर विश्वास रखता है, श्रद्धा रखता है और मेरी भक्ति करता है, मैं उसकी हर इच्छा पूरी करता हूं। जो मेरा नाम स्मरण करता है, सिर्फ साईं साईं जाप करता है, मैं उसके पापों का विनाश करके उसका उद्धार करता हूं। जिनका मुझ पर विश्वास है, मैं सदैव उनके साथ रहता हूं, उनका साथ देता हूं, सबका मालिक।